सानू भी नागरिकता दी जाए क्योंकि असं भी बहुत चिर तो इतने रह रहे हैं तो सानू भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पै रहा है। अफगानिस्तान के हालात थोड़े सामने ही ने, कोई कुड़ी अगवा करके लै जाते हैं, हले भी कुछ फैमिली उत्थे हैगियां जिन्हें कढ़िया जा सकता वा। अभी तक अपीलिंग कर रहे हैं कि हमको नेशनलिटी मिल जाए, तो अभी तक हमको नेशनलिटी नहीं मिली, हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। अफगानिस्तान में जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ हालात ठीक नहीं हैं, वहाँ कुछ ऐसे पहले भी थे हमारे टाइम पे भी कुछ ऐसे मंगलबाज आतंकी ग्रुप हैं जो हमको भी धमका रहे हैं। अभी भी वहाँ पहाड़ी इलाकों में जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ कोई नहीं जा सकता, किसी से टैक्स लेते हैं, किसी को उठा लेते हैं। पाकिस्तान तो साल 2008 च भारत पुजे कई पाक अते अफगानिस्तान नागरिक हुण भारत दे नागरिक बनन दी गुहार लगा रहे ने। कदे उह केंद्र सरकार नूं कदे पंजाब सरकार नूं इह अपील कर रहे ने, पर हुण तक उहनां नूं नागरिकता नहीं मिल सकी। हुण इहनां नागरिकां दा एक वफद श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं मिलण लई पहुंचिया, जिथे उहनां ने अपना दर्द बयान दिंदिआं भारतीय नागरिकता दिवाउण च जथेदार साहिब दी मदद मंगी आ। नाल ही उहनां ने जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि पाकिस्तान अते अफगानिस्तान च सिखां ते हिंदुआं नाल बहुत माड़ा वतीरा कीता जांदा, उहनां दे बच्चे उत्थे महफूज नहीं ने। जरा सुणो की कहना चाहुंदे ने इह नागरिक। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है हरद्वारी लाल। आप कहाँ से हैं और क्या? हम पाकिस्तान से आए हैं 2008 में। तो क्या दिक्कत क्या आ रही सर आपको? भाई दिक्कत ये है कि हम 2008 से आए हैं तो हमने ये सोचा था कि हिंदुस्तान हमारा अपना मुल्क है, तो हम बहुत उम्मीद लेके इधर आए थे, है ना। तो हमको हमने ये सोचा कि हमारा अपना धर्म का मुल्क है, वहाँ हमने अपना धर्म बचा के हम इधर हिंदुस्तान के शरण आए हैं 2008 में। वहाँ से हम उस समय से हम अभी तक अपीलिंग कर रहे हैं कि हमको नेशनलिटी मिल जाए, तो अभी तक हमको नेशनलिटी नहीं मिली, हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, साल साल का वीज़ा लेते हैं, तो अब एक तरफ कारोबार नहीं है, दूसरी तरफ बार बार वीज़े के लिए आना पड़ता है ना, तो कभी किसी का वीज़ा मुक जाता है, कभी किसी का वीज़ा मुक जाता है, तो हम बहुत दुखी हैं इस चीज़ को लेकर। उधर भी हम दुखी थे, इधर भी दुखी हैं। जब अफगानिस्तान में कुछ फैमिली को यहाँ पर पीआर दे दी गई, पक्का कर दिया गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमने ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी अपील है और पंजाब गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है, जैसे उनको इधर पक्का कर दिया तो उनका उनकी मदद की गई, उनको पक्का कर दिया, तो इस तरीके से हम भी मैन वो करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, हमारी ये विनती है कि हमको भी नेशनलिटी मिल जाए। पाकिस्तान में क्या हालात हैं यहाँ पर? पाकिस्तान में जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ हालात ठीक नहीं हैं, वहाँ कुछ ऐसे पहले भी थे हमारे टाइम पे भी कुछ ऐसे मंगलबाज आतंकी ग्रुप हैं जो हमको भी धमका रहे थे। अभी भी वहाँ पहाड़ी इलाकों में जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ कोई नहीं जा सकता, किसी से टैक्स लेते हैं, किसी को उठा लेते हैं। अभी भी जितने भी हिंदू और सिख परिवार हैं वो सिर्फ पेशावर में हैं, शहर में उनकी बस उनकी हिफाजत हो रही है, बाकी नहीं हो सकता साइडों मेडों में। तो भारत सरकार से क्या अपील करते हैं? बस यही हमारी एक ही अपील है कि बस हमको इधर नेशनलिटी मिल जाए, नेशनलिटी हमको दी जाए, है ना। तो हम इनके शरण आए हैं, हिंदुस्तान की शरण आए हैं, तो हम हमारा ये काम हो जाए तो कि हम बस निश्चिंत हो जाएं। आज आप कितने मिले हैं जी? हाँ जी, सिंह साहब से आप मिले हैं, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? यही हमको यही उम्मीद जगाई कि हो जाएगा, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहो, यही बोला। हाँ सर, की नाम है तुम्हारा जी? हाँ जी, मेरा नाम सुरबीर सिंह है, असी अफगान नागरिक सिख नागरिक सारे इकट्ठे हैं जी। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਈ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 30-35-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਰਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।
कोई आइडिया नहीं, सानू तो समा बहुत हो गया, हले भी कुछ फैमिली उत्थे हैगियां जिन्हां नू कढ़ने जा कढ़िया जा सकदा वा। हाँ जी, जथेदार साहब ने सानू उम्मीद दी है भी तुहाडा काम असीं करांगे ते तुहाडी सेंटर तक असीं गल पहुंचावांगे। उन्होंने सानू उम्मीद दी है, साडे उम्मीदां नू जगाया है उन्होंने। दस दई कि पाकिस्तान सिखां नाल वधीकियां दीआं खबरां पिछले कुछ समय तो सुरखियां च ने, जिस नाल पाकिस्तान अते अफगानिस्तान च वसदे हिंदू सिख भाईचारे दीआं भावनावां नूं भारी ठेस पहुंची है। पर हुण भारत च इन्ने लंबे समय तो रह रहे पाकिस्तानी अते अफगानिस्तानी लोकां ने भारत की नागरिकता की मंग की है। हुण देखना होवेगा कि भारत सरकार इन्हां दी मंग ते की कदम चुकदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।